साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। जिस तरह हांडी का एक चावल ही पूरे हांडी का हाल बयां करने के लिए काफी माना जाता है, ठीक उसी तरह पूरे प्रदेश का मूड क्या है ये निकाय चुनाव बखूबी बयां करता है। वहीं अब यूपी में निकाय चुनाव नजदीक है, इस बार के निकाय चुनाव कैसे होंगे और कब होंगे और क्या कुछ खास होगा इस निकाय चुनाव में, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। तो निकाय चुनाव 2023 का पहला चरण 4 मई को होगा, दूसरा चरण 11 मई और इन दोनों ही चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे। वहीं पहले चरण का चुनाव 4 मई, दूसरे चरण का 11 मई को चुनाव होना है। तो वहीं चुनाव की मतगणना यानी कि नतीजे 13 मई को आएंगे। तो निकाय चुनाव 2023 में 18 मंडल, 75 जिले और 14,684 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं दो चरणों में मतदान होगा और निकाय चुनाव में 18 मंडल, 75 जिले पर वोट डाले जाएंगे। तो दो चरणों में होगा मतदान। वहीं 17 नगर निगमों में ईवीएम से मतदान होगा, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा। तो 544 नगर पालिका में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इस निकाय चुनाव में शाहजहांपुर में पहली बार नगर निगम के लिए मतदान डाले जाएंगे। तो शाहजहांपुर में पहली बार मेयर चुना जाएगा, नगर निकाय के 14,684 पदों पर ये चुनाव होने हैं। तो यूपी में दो चरणों में निकाय चुनाव होने हैं, ऐसे में पहले चरण पर एक नजर डालते हैं। तो पहले चरण में 9 मंडल, 37 जिले और 7,678 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं 14 से 17 अप्रैल को नामांकन दाखिल पत्रों की जांच, 18 अप्रैल और नाम वापसी की भी तारीखों की घोषणा कर दी गई है। तो 9 मंडल के 37 जिलों में वोट डाले जाएंगे। वहीं नामांकन दाखिल 11 से 17 अप्रैल, पत्रों की जांच 18 अप्रैल और नाम वापसी के लिए 20 अप्रैल की तारीख घोषित की गई है। वहीं पहले चरण में जो पहला मंडल है वो है सहारनपुर, जहां पर शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में वोट डाले जाएंगे। वहीं मुरादाबाद में बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल में वोट डाले जाएंगे। वहीं अगर हम तीसरे मंडल का जिक्र करें तो तीसरा मंडल आगरा है, जहां फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा के साथ ताज नगरी आगरा में भी वोट डाले जाएंगे। और चौथा मंडल है झांसी, जहां पर जालौन, ललितपुर और झांसी में जो सभी जनता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। वहीं प्रयागराज यानी कि संगम नगरी में कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर और प्रतापगढ़ में जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी। वहीं लखनऊ में उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और लखीमपुर खीरी में वोट डाले जाएंगे। वहीं अगर निकाय चुनाव के पहले चरण के सातवें मंडल के जिक्र करें तो वो है देवीपाटन, जहां गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में वोट डाले जाएंगे। तो सातवां मंडल देवीपाटन था। तो वहीं आठवां मंडल है गोरखपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ है आठवां मंडल, जहां गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर में जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। वहीं वाराणसी यानी कि काशी में गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और जौनपुर की जनता पहले चरण में वोट डालती हुई दिखाई देगी। तो पहले चरण को लेकर के हमने आपको बताया कि कहां कहां पर किस तरीके से वोट डाले जाएंगे। वहीं पहले चरण का हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ बताने का प्रयास किया, कितने मंडल है और कहां कहां की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। तो पहले चरण के बाद 11 मई को दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे, तो ग्राफिक्स के जरिए वो भी आपको बताते हैं। दूसरे चरण में 9 मंडल, 38 जिले और 7,006 सीटों पर जो जनता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। नामांकन दाखिल करने की तिथि 17 से 24 अप्रैल है, पत्रों की जांच 25 अप्रैल, तो वहीं नाम वापसी की जो तारीख है वो 27 है। तो दूसरे चरण में 9 मंडल, 38 जिले और 7,006 सीटें शामिल है, जहां पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी।
तो निकाय चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है और दूसरे चरण का अगर हम जिक्र करें तो नामांकन दाखिल करने की तिथि 17 से 24 अप्रैल है, पत्रों की जांच की तिथि 25 अप्रैल है और वहीं दूसरे चरण में 9 मंडल, 38 जिले और 7006 सीटें हैं जहां की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। वहीं दूसरा चरण काफी अहम माना जा रहा है। वही दूसरा चरण का पहला मंडल है मेरठ, जहां हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत और बुलंदशहर के साथ मेरठ की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी यानी कि वोट डालेगी। और वहीं अगर दूसरे मंडल के बारे में आपको हम बताएं तो वहां बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली और पीलीभीत शामिल है। तीसरा मंडल अलीगढ़ है, जहां हाथरस, कासगंज, एटा और अलीगढ़ शामिल है और वहीं चौथा मंडल है कानपुर, यानी कि यूपी की एक बड़ी उद्योग नगरी कानपुर नगर, कानपुर देहात, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज यानी कि इत्र नगरी और औरैया शामिल है। वहीं अगर दूसरे चरण के हम पांचवें मंडल के बारे में आपको बताएं तो वो है चित्रकूट, जहां हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा और बांदा शामिल है। तो दूसरे चरण का जो पांचवा मंडल है उसमें हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा और बांदा में वोट डाले जाएंगे। और दूसरे चरण का छठा मंडल है राम की नगरी अयोध्या। जी हाँ, भगवान राम की नगरी है छठा मंडल, जहां पर जो जनता है वो दूसरे चरण में अपने वोट का इस्तेमाल करेगी। इस दौरान सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और अमेठी में वोट डाले जाएंगे। सातवां मंडल है बस्ती, जी हाँ, संत कबीर नगर बस्ती और सिद्धार्थ नगर में 11 मई को दूसरे चरण में जो जनता है वो वोट डालेगी, जो जनता है वो अपने प्रत्याशियों को चुनेगी। और आठवां मंडल है आजमगढ़, जी हाँ, ये सपा का गढ़ माना जाता है। आजमगढ़ में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी सपा और भाजपा के बीच, क्योंकि भाजपा कहीं ना कहीं आजमगढ़ में सपा के गढ़ में सेंधमारी मारने की कोशिश करेगी। तो वही आजमगढ़, मऊ और बलिया में आठवें मंडल में चुनाव होंगे। वहीं नौवां मंडल है मिर्जापुर, जहाँ सोनभद्र, भदोई और मिर्जापुर शामिल है। यहाँ पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल 11 मई को करती हुई नजर आएगी। ये तो आपने जाना दोनों चरणों के बारे में, अब हम आपको बताएंगे कि इस चुनाव में कितने निकायों की बढ़ोतरी की गई है। तो निकायों की वृद्धि की गई है, 107 निकायों की वृद्धि की गई है, जहां एक नगर निगम, एक नगर पालिका परिषद है, 105 नगर पंचायत है। तो कुल निकायों की वृद्धि 105 की गई है। तो 2017 के मुकाबले 107 निकाय बढ़ाए गए हैं, जहां शाहजहांपुर की जनता को पहली बार अपना मेयर मिलेगा यानी वहां पहली बार नगर निगम का चुनाव होगा। और एक नगर पालिका परिषद और 105 नगर पंचायतों में वृद्धि की गई है। तो ये 2023 में कुल 107 निकायों की वृद्धि की गई है। तो इस बार कुल कितने निकायों पर चुनाव होना है इसके बारे में ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से भी आपको समझना जरूरी है, तो चलिए वो भी आपको समझाते हैं। तो निकाय चुनाव 2023 बेहद ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद, 544 नगर पंचायत यानी कि कुल नगर निकाय है 760। तो 760 कुल नगर निकाय है। इस दौरान 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायत है। इस दौरान तमाम कई ऐसी सीटें हैं, तमाम कई ऐसी जगह है जहां पर भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है लखनऊ नगर निगम, क्योंकि लखनऊ नगर निगम एक बेहद ही बड़ा नगर निगम माना जाता है, जबकि शाहजहांपुर में भाजपा के 3 मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। जी हाँ, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद की साख भी शाहजहांपुर में दांव पर लगी है, जबकि शाहजहांपुर को पहली बार अपना मेयर मिलेगा। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में भी जो तस्वीरें हैं और जो आंकड़े होंगे वो काफी रोमांचक कहीं ना कहीं साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस गढ़ में जरूरी है कि भाजपा अपना जो नतीजे है 2017 के उसको बरकरार रखना चाहेगी। तो वहीं सपा चाहेगी कि वो अपने जो आंकड़े हैं, जो नतीजे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सुधार करे। लेकिन एक बार आपको निकाय चुनाव 2023 के आंकड़े बताया तो 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद, 544 नगर पंचायत, तो कुल नगर निकाय है 760, जिनमें से 2 सीटों पर यानी कि 762 सीटों पर चुनाव होते, लेकिन 2 सीटों पर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है।
ये तो आपने जाना कि कितने निकाय इस बार बड़े हैं। अब आपको बताते हैं कि यूपी में कितने नगर निगम हैं। आइए उन सभी नगर निगम के बारे में बारी बारी से जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है, जिनमें आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, शाहजहांपुर और वाराणसी शामिल है। तो ये उत्तर प्रदेश के कुल 17 नगर निगम है, यानी कि इस बार यूपी को 17 मेयर मिलेंगे। शाहजहांपुर इसमें एक नया नाम जुड़ा है, क्योंकि 2017 के आंकड़ों पर हम जाए तो 2017 के जो आंकड़े थे उनमें 16 जगहों पर मेयर बनाए गए थे, यानी कि 16 जगहों को मेयर मिले थे। तो वहीं इस बार शाहजहांपुर को भी पहली बार अपना मेयर मिलेगा। और अगर हम 2017 के नतीजों पर एक नजर डालें तो 2017 में कुल 16 नगर निगम में से भाजपा के खाते में 14 नगर निगम आई थी। तो एक बार हम आपको फिर से बताते हैं कि यूपी में जो कुल 17 निगम है उनके नाम क्या क्या है। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद के साथ गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर और लखनऊ। वहीं मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर का भी नाम शामिल है। तो इनमें कई ऐसी जगहों हैं जिन्हें धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, फिर चाहे वो वाराणसी हो, फिर चाहे वो अयोध्या हो और चाहे वो प्रयागराज ही क्यों ना हो। निकायों में बढ़ोतरी के साथ ही यूपी इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के अनुसार मतदाताओं में कितनी वृद्धि हुई है इस पर भी एक नजर डालते हैं। तो मतदाताओं के आंकड़े 2017 में थे 3.35 करोड़। तो वही 2023 में जो मतदाताओं के आंकड़े हैं उनमें भी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार यूपी में 4.32 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं अगर बढ़ोतरी की बात करें तो 93.33 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। तो 2017 में जहां 3.35 करोड़ मतदाता थे तो वही 2023 में 4.32 करोड़ मतदाता है, यानी मतदाताओं में भी वृद्धि हुई है, जिसका सीधा तौर पर असर 2017 के बाद 2023 के नतीजों पर पड़ेगा। तो 2023 मतदाताओं का आंकड़ा जानना बेहद जरूरी है। इस दौरान हम आपको पुरुष और महिलाओं के आंकड़े बताएंगे। तो मतदाताओं के आंकड़ों में 2.29 करोड़ पुरुष मतदाता शामिल है, जबकि 2.02 करोड़ महिला मतदाता आती हैं। वहीं अगर कुल मतदाताओं की बात करें तो 4.32 करोड़ मतदाता हैं। तो कहीं ना कहीं पुरुष और महिला दोनों ही मतदाताओं के आंकड़े 2017 के मुकाबले काफी बढ़ गए हैं। और इस नगर निकाय चुनाव में जो यूथ हैं वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर विकास की नींव है तो वहां पर जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है यूथ का, यानी कि आजकल की जनरेशन का। तो वही अगर पुरुष मतदाताओं के आंकड़ों पर नजर डाले तो 2.29 करोड़ मतदाता है, और महिला वोटर्स की बात करें तो 2.02 करोड़ मतदाता इस वक्त यूपी में मौजूद है। तो नगर निकाय 2023 का चुनाव काफी ज्यादा रोमांचक माना जा रहा है। पहले चरण का चुनाव 4 मई को होगा, दूसरे चरण का 11 मई और इन दोनों ही चरण के नतीजे जो है वो 13 मई को आएंगे, जिसके बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर यूपी की जनता किसे ज्यादा पसंद कर रही है। साल 2017 में नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत हुई थी। बीजेपी ने 16 में से 14 नगर निगमों पर अपना कब्जा कर लिया था। इसके अलावा 1300 में से 593 पार्षद बीजेपी के थे और 198 नगर पालिकाओं में से 70 और 488 नगर पंचायतों में से 100 पर बीजेपी की जीत हुई थी। कांग्रेस एक भी नगर निगम नहीं जीत पाई थी। कांग्रेस की सिर्फ 9 नगर पालिका और 17 नगर पंचायत पर ही जीत हुई थी। वहीं बसपा ने 2 नगर निगमों पर अपना कब्जा किया था। लेकिन 2023 का निकाय चुनाव काफी ज्यादा रोमांचक माना जा रहा है, क्योंकि 2024 के पहले ये निकाय चुनाव यूपी में होने जा रहा है और यूपी में होने वाले निकाय चुनाव को एक सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि अब लोकसभा 2024 के चुनाव में एक साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में अब नगर निकाय चुनाव है और नगर निकाय चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि आखिर जनता की पसंद क्या है। गली से लेकर मोहल्ले तक, वार्ड से लेकर बड़े बड़े शहरों तक, आखिर जनता की पसंद कौन सी पार्टी बनी है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।